प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से देखो चारों सौरभ वेले। बस अभी बाबा जी के दर्शन लिए और अभी हम हैं आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे। आज रात का स्टे यही था हमारा। कल हम निकले थे देहरादून से, चंडीगढ़ गए थे, वहाँ पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन था, उसको निपटाया। एक बर्थडे पार्टी थी मेरी कज़न की, छोटी बच्ची की, जिसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया। वो तो यहाँ पे कैसा लगा सौरभ आनंदपुर साहिब में, और आगे का प्लान क्या है? साफ हो गया है। आगे का प्लान हमारा ये बताएगा चावला, बीर बिलिंग चावला बताएगा। चावला क्या प्लान आगे का? बाइक पे बैठेंगे, हाँ, फिर चाय पियेंगे और फिर पराठे खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। है फिर देखेंगे। तो अब हम जा रहे हैं बीर बिलिंग, दो दिन वहाँ रहेंगे और उसके बाद जाएंगे फिर मनाली, जिसके लिए हम आए थे। और ये देखिए आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा। अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, सोचा बाहर आके दिखाएंगे आपको। कल रात को मैं लंगर खाया था, बहुत टेस्टी, एकदम मज़ा आ गया। चलें फिर अब जल्दी से रूम में जाएंगे। रूम लिया हमने बहुत सही एकदम। वहाँ जाके जल्दी से बैग पैक करेंगे, बाइक पे लगाएंगे सामान को और निकल जाएंगे सीधा बीर बिलिंग के लिए। चलिए आपको आगे जाके मिलते हैं। आइए, और ये हमारा रूम है जो कि पूरा मैस हो रखा है इस समय। साथ छोड़ूंगा मैं दो गरीब लोग यहाँ सोए थे और दो अमीर लोग सोए थे ऊपर। छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा। अब हम निकलेंगे यहाँ से। अब जाएंगे यहाँ से बीर, जल्दी जल्दी पैक करते हैं बैग और लगाते हैं बाइक पे। तेरे बिन अब न लेंगे एक ही दम। सो ये पड़ा हमारा सामान और ये है रिसेप्शन, बस यहाँ से चेकआउट करेंगे। चलिए सामान बांधते हैं बाइक पे। अरे मेरे लिए
हैं ढाबे पे, देखो पंजाबी ढाबा रास्ते में मिला हमको, ऊना में है ये। और ये देखिए हमारे हट्स, हम यहाँ बैठ के खाएंगे आराम से। हमने मंगाया अभी आलू प्याज के पराठे चाय के साथ और दही फ्री में। ऐसे क्रैक वर्जन मिलते हैं। ये देखो पराठे की शक्ल देखो कितनी बड़ी है, इतना बड़ा पराठा एक बंदा खाए तो मरी जाए खा के। पर वो तेरे को गिटार तो कनेक्ट करने के लिए तेरे को इंटरफेस चाहिए ना। अब बस यहाँ पे अभी लंच करेंगे और लंच के बाद निकलेंगे सीधा ऊपर के लिए बीर बिलिंग के लिए। बहुत ही अच्छी राइड है, रोड भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, मस्ट रिकमेंडेड, आना चाहिए, बहुत ही अच्छा है यार। और बाइक्स देखो कैसे लोड कर रखी हमने पूरी। ये बैठने को तो बहुत अच्छा हो गया, पीछे सपोर्ट के लिए बैक सपोर्ट अच्छा मिल गया। चलिए अब पराठे खाते हैं फिर मिलेंगे आपसे। तो वो भी उसकी अगर तू सुनेगा ना जब भी जूम पे। ये देखो अभी हम रुके हैं टी गार्डन में, दोनों तरफ टी गार्डन है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। अब बस यहाँ से थोड़ा सा रह गया है, एक घंटे का रास्ता और बीर बिलिंग, और वहाँ जाके मज़ा आने वाले हैं। ये देखो टी गार्डन चलते हैं, टी गार्डन घुमाए तुम्हें। वाह यार, पहले भी आया हूँ मैं काफ़ी टाइम टी गार्डन में, काफ़ी बार आया हूँ बट काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ तो उसका मज़ा ही अलग है। ये देखो बहुत ही सुंदर है यार, पर यहाँ देख के रहना पड़ता है, सांप बहुत होते हैं। और देखो वो खड़े हैं रोड पे, वो वाह यार मज़ा आ गया जी। चलिए अब थोड़ा सफ़र रह गया, इसे भी कंप्लीट करते हैं, सिर्फ एक घंटा और, एक घंटा और हम लोग बीर बिलिंग। हाँ सबसे पहला काम होटल ढूंढना है एक अच्छा सा। चलिए मिलते हैं आपसे आगे फिर, चलो। सो फाइनली हम आ गए रूम पे, ये हमारा रूम है, जस्ट अभी पहुंचे बीर बिलिंग और कल करेंगे पैराग्लाइडिंग। यूं उड़ेंगे, यूं उड़ेंगे, पता नहीं कैसे उड़ेंगे। और स्टंट मारने स्टंट। अब चलो सामान लेकर आता हूं, दिखाता हूं तुम्हें। देखो ये देखो, ये हमारा रूम है, बहुत ही सही है। एक रूम है, वहां पर दो रूम है ऐसे। और सामने देखो ये है बाइक पार्किंग हमारी, जस्ट बाहर निकलते ही ये लगी है बाइक, ये लगी है दूसरी बाइक, बहुत सही है। देखो चलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओ माय गॉड, शाहरुख खान इज हियर। आपको मिलेंगे ब्रेक के बाद। टिल दैट मेरे बोलते हैं मेरे को भी सुना।